सभी को जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम अधर्मी लोग या अधर्मी के विषय में बाइबल अध्ययन करेंगे। ये लोग परमेश्वर की आज्ञा को पालन नहीं करते हैं, परमेश्वर की व्यवस्था को अंगीकार नहीं करते। वे परमेश्वर के आज्ञा के प्रति अज्ञानता के कारण नहीं, परंतु जानबूझकर पाप करते हैं। वे भले बुरे को जानते हुए केवल बुराई को अपनाते हैं। आइए हम अभी कुछ बाइबल पदों को पढ़ेंगे। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मन में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। मेरे प्यारों, ये अधर्मी लोग अभक्ति और अधर्म के चलते सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। ये परमेश्वर को जानते हैं और परमेश्वर का ज्ञान उनके मन में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने खुद प्रकट किया है, फिर भी ये परमेश्वर को नहीं मानते। इसे अधर्मी या अधर्म लोग कहा जाता है। रोमियों अध्याय 1:18-19, उसके आंतरिक गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उनके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर है। इस कारण के परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के युग बढ़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका मन निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। मेरे प्यारों, ये अधर्मी लोग परमेश्वर को जानते हुए भी परमेश्वर की बड़ाई नहीं किया, ना ही परमेश्वर को धन्यवाद किया, परंतु व्यर्थ विचार करने में और निर्बुद्धि मन में अंधेरे हो गए और परमेश्वर के खिलाफ कार्य करने लगे। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रंगने वाले जंतुओं की मूर्ति की सनातन में बदल डाला। मेरे प्यारों, ये अधर्मी लोग परमेश्वर को जानते हुए भी परमेश्वर का महिमा नहीं किया, लेकिन ये लोग ने मूर्तियों को पूजा किया, मूर्तियों की उपासना किया, इसलिए वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन चुके हैं। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीर का अनादर करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहारा की जो सदा धन्य है। आमेन। मेरे प्यारों, ये लोग ने परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दिया और परमेश्वर को जानते हुए भी परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया, इसलिए परमेश्वर ने उनके मन को अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया है, क्योंकि वे लोग सृष्टि की उपासना की, ना कि सृष्टिकर्ता का उपासना किया। उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ में बना डाला। परमेश्वर ने जो मनुष्य जाति को प्रेम किया, इसलिए उसने अपना एक लौता पुत्र को इस धरती पर भेजा, ताकि जो कोई उन पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अगर ये लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते तो धर्मी ठहरते, लेकिन ये लोग यीशु मसीह को जानते हुए भी यीशु मसीह की इनकार करते हैं। इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप सभी को ब्लेस करें।